नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महाराष्ट्र बारिश में 209 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश बाढ़ में 7 और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 5 की मौत। गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर विपक्ष का विरोध जारी। बुधवार को भी बाधित रही संसद की कार्यवाही। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 43,654 नए मामले, 640 मरीजों की मौत। सबसे पहले हम बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जारी कुदरत के कहर के बारे में। बिहार की बाढ़ से बेघर हुए लोगों के दर्द के बाद महाराष्ट्र की बारिशों से लोगों की मौत की लगातार खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में अब तक बारिश से कुल 209 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि सबसे बुरी तरह प्रभावित रायगढ़ जिला है, जहां करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग अब भी लापता हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को सांगली जिले के बारिश प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा किया और कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने के लिए बचाव नौका का इस्तेमाल किया। पवार ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की और उन्हें पुनर्वास और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आफत आई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कम 7 लोगों के मौत होने की आशंका है और 9 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मुख्ता ने बताया कि कुल्लू जिले में 4 व्यक्तियों और चंबा में 1 व्यक्ति की मौत होने की आशंका है। लाहौल स्पीति में 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू में मणिकरण के पास पार्वती नदी की सहायक नदी ब्रह्मगंगा में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण 25 वर्षीय पूनम और उनका 4 वर्षीय बेटा निकुंज बुधवार सुबह लगभग 6:15 बजे उसमें बह गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला और एक पुरुष भी बाढ़ के पानी में बह गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से तबाही मच गई है। इस आपदा के चलते 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव के लिए पुलिस, सेना और बचाव की अन्य टीमें मौके पर पहुंची हैं। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। देश में ही नहीं, दुनिया में भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आ रही हैं, जिसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को इंसानों द्वारा पैदा हुए जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताया है। भारत में रहने वालों ने पहले ही चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ मानसून की बारिश और बढ़ेगी। मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने कहा कि मौसम आधा भी नहीं बीता है और हमने पहले ही भारत में मौसमी बारिश देख ली है। जलवायु परिवर्तन इस समय की वास्तविकता है। मानसून अनिश्चित हो गया है और हम मानसून के मौसम के पैटर्न में एक समुद्री परिवर्तन देख रहे हैं, जिसे कभी सबसे स्थिर माना जाता था। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के गुजरात कैडर के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना ने बुधवार को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मध्य दिल्ली के जय सिंह मार्ग पर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर अस्थाना को पुलिस बल ने रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंगलवार को जारी एक आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई। उनका कार्यकाल 1 साल का हो। इस तरह के बहुत कम उदाहरण है जब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर से बाहर के किसी IPS अधिकारी को दिल्ली पुलिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया हो। 1984 बैच के IPS अधिकारी अस्थाना पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI में विशेष निदेशक रह चुके हैं। CBI में अपने कार्यकाल के दौरान उनका CBI के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ विवाद हो गया था, जिनमें दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दिलचस्प है कि वर्मा CBI निदेशक बनने से पहले दिल्ली पुलिस के लिए आयुक्त थे। जून के अंत में पुलिस आयुक्त पद के से SN श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन पर विपक्ष संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार जवाब मांगकर विरोध कर रहा है। इसके चलते बुधवार को भी
दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही और दोनों को सदनों को दो बार स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र में अब तक विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण बार बार कार्यवाही टालने की नौबत आई है। बुधवार को भी विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 12 बजे विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को पहली बार प्रश्नकाल हुआ और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रतिमा भौमिक ने उनके जवाब दिए। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर से संसद आए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अन्य कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। और आखिर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 28 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज 5 दिन बाद कोरोना के 40,000 से भी ज्यादा यानी 43,654 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 640 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में आज फिर सबसे ज्यादा यानी 254 मरीजों की मौत हुई है। वहीं केरल में 156 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 41,678 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,336 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,14,84,605 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,22,022 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.39% यानी 3,06,63,147 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.27% यानी 3,99,436 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 44,61,56,659 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 40,02,358 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।